मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत सदस्य इरशाद की आवास पर दो दिन पहले मध्य रात्रि को बदमाशों ने धावा बोलकर कार में आग लगाई थी और फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने भरोसा दिया कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द खोलकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह, पूर्व मंत्री योगराज सिंह रालोद, जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर समेत कई लोग मौजूद रहे। मामला ये है कि हमारे सदस्य जिला पंचायत हैं और प्रदेश में वो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय लोकदल के भाई साथ जी, उनके साथ विगत दिनों एक घटना हुई। रात को 2 बजे उनके मकान पर लोगों ने बदमाशों ने धावा बोला और धावा बोल करके जब वो अंदर से नहीं निकले तो उनकी बाहर गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में आग लगाई और वहाँ गोली भी चलाई। तो उसमें हमें ये लगता है कि इनकी जान को जान से मारने की नीयत से ही उन्होंने गेट खटखटाए, जब ये नहीं निकले तब वो गाड़ी जला करके अपना गोली चला के चले गए। तो उस संबंध में हम कप्तान साहब से मिले हैं कि ये गंभीर घटना है, इनकी जान को खतरा है, तुरंत इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था की जावे और जो क्रिमिनल हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और कड़ी सजा दी जाए। हमारी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य हैं इरशाद भाई। अभी 2 दिन पहले उनके मकान पर बदमाशों ने दावा बोल दिया, फायरिंग कर दी, गोली चला दी और जब भी अंदर से दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला तो बाहर निकल कर इनको धमकी देकर इनकी गाड़ी में आग लगा दी। इनकी सफारी गाड़ी थी, वो सारी जलकर आग हो गई। फिर जब उन्होंने वहाँ 100 नंबर पर फ़ोन किया, जब वहाँ पुलिस पहुँची तो जब उससे पहले बदमाश भाग चुके थे। कब की घटना है ये? 2 दिन पहले की। क्या किसी पर शक है कि कौन है कौन नहीं है? नहीं, शक तो किसी पर नहीं है। किस तरह की हानि उनके द्वारा इनके साथ की गई? हानि किस तरह की दी गई है इनको? इन्हें तो आर्थिक हानि थी। आर्थिक हानि क्या, इनका कत्ल करना चाह रहा था, जान से मारने की कोशिश थी इनका। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया इस पर जल्दी ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषी को क्राइम ब्रांच लगाई जाएगी और दोषी जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा।